तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त एंड बहुत ही बवाल होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कुछ ही टिप्स से सीबी फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। गाइस, आप अपने हेयर को कुछ ही टिप्स से कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने फेस को आप कुछ ही टिप्स से गोरा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ से इसका ओरिजिनल वाला पिक दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल वाला पिक है और मैंने इसी वाला फोटो को यहाँ पर एडिट किया हूँ। तो हमारा फोटो कुछ इस टाइप से बना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप भी कुछ ही टिप्स से सीबी फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ओरिजिनल पिक पे आएंगे। तो गाइस, आपको ओरिजिनल पिक पे आ जाना होगा और यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करके और इस फोटो को गाइस करना क्या होगा, ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर आप इस फोटो को ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ से ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस, आप इस एप्लीकेशन में इस फोटो को ऐड कीजिएगा। तो गाइस, हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो गाइस, आप ऊपर ध्यान दीजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डन गाइस आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोस्ट इमेज का ऑप्शन आपको एक मिल जाएगा। तो इस पर आपको टाइप कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं 3 लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं नीचे फोटोज पर ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड करूँ। तो मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को सिंपली ऐड कर लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने फोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना होगा और यहाँ पे आपको ऊपर एक सही का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको टाइप कर देना होगा। जस्ट यहाँ पे कीजिएगा तो आपका फोटो कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो अब गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डन गाइस क्लिक करके और इसको ऊपर की तरफ लाना है गाइस। मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लाकर और छोड़ देना है। तो आपका फोटो कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो अब गाइस, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा। तो आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर टाइप करके और यहाँ से आपको नीचे आ जाना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला ब्रश आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोग ध्यान से इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है और यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके इस ब्रश का सेटिंग देखिए। तो अमाउंट रेस को 100 रख लेना है और साइज को तो गाइस आप अपने हिसाब से रख लेते हैं, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं साइज को अभी 6.3 रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आप सिंपली गाइस, आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप कुछ ही टाइप से अपने बैकग्राउंड पे जस्ट अपने ब्रश को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आपको इतना काम करने के बाद गाइस, आपको करना क्या होगा, गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, एक हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कुछ ही टाइप से अपने फोटो को एडजस्ट करेंगे और जिस तरह बैकग्राउंड को किए थे उसी तरह इसको भी कर लेंगे। तो इसके लिए गाइस, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली गाइस, आपको यहाँ पे आ जाना होगा और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंपोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे आपको टाइप कर देना होगा। यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करके और यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके और फोटोज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो इस बाल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने हेयर पीएनजी को ऐड यहाँ से कर लेता हूँ। तो इसको गाइस, आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ स्टेप से एडजस्ट कीजिएगा। तो मैं अभी इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको घबराना नहीं है गाइस, आराम आराम से अपने हेयर पीएनजी को ऐड करना है। तो इसको कुछ तरह इस तरह एडजस्ट कर देना होगा, इस तरह एडजस्ट आपको कर देना होगा। और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ सही का ऑप्शन आपको एक मिलेगा, इस पर आपको टाइप कर देना होगा। तो जस्ट गाइस, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ब्रश ऑप्शन पे आ जाना होगा। तो ब्रश वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको आ जाना है और इस वाले ब्रश का अमाउंट रेस आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, 9 रख लीजिएगा और साइज को 20 रखने दीजिएगा। यहाँ से अब क्या कीजिएगा, यहाँ से कुछ ही टिप से इसको हम थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं। तो मैं साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से गाइस मैं क्या करता हूँ, इसका जितना भी भाग इधर उधर है ना, हम उस सबको एक ही साथ में यहाँ पे मिला लेते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने हेयर को कुछ ही टाइप से मिला चुके हैं। तो आज आप गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा और यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, बस यहाँ पे टाइप कर देना होगा और यहाँ से इसका थोड़ा सा हम लोग साइज इधर उधर कर लेंगे। तो हम इसको कुछ स्टेप से गाइस यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अपने हेयर को कुछ ही टाइप से एडजस्ट कीजिएगा और यहाँ सही वाले ऑप्शन पे आपको टाइप कर देना होगा। तो जस्ट यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा हेयर कितना बेस्ट अब लग रहा है। तो अब गाइस, आपको इतना काम करने के बाद अपने फेस को स्मूथ कर लेना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेस कितना ख़राब लग रहा है, तो हम इसको स्मूथ कर लेंगे। तो इसको स्मूथ कैसे किया जाता है गाइस, बहुत सारे भाई को प्रॉब्लम है फेस को स्मूथ कैसे करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये डिकाल क्लियर हम यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अभी आपका फेस स्मूथ होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टैप करना होगा, तो जस्ट ब्रश वाले ऑप्शन पे टैप करके और यहाँ पे जस्ट गाइस आपको यहाँ पे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे आप लोग टैप कीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा गाइस, यहाँ से अपने फेस को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे स्मूथ लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ आप सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो डन गाइस, आपको सेटिंग पे क्लिक करके और यहाँ से देखिए इस दोनों को आप सेम रखिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से फोलो को 5 और स्ट्रेन को 5 और साइज को गाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मैं साइज को अभी 25 रख लेता हूँ, 25 नहीं रखता हूँ गाइस, मैं साइज को अभी 13.1 रख लेता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ से अपने ब्रश पे सॉरी गाइस यहाँ पे अपने अभी हमारे फेस को करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। तो लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करके और जो ये हरा वाला चिन्ह आपके बाल के मॉडल पे दिखाई दे रहा है वो अपने फोटो वाले मॉडल पे लेना है, बस एक बार टच कीजिएगा तो आ जाएगा और यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब गाइस आप यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा साइज को हम बढ़ा लेते हैं, 19 रख लेते हैं और यहाँ से हम अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं। तो जस्ट गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना बेस्ट स्मूथ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर के वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो डन गाइस आपको यहाँ पे दिखने को अब मिल रहा होगा तो कि हमारा फेस जस्ट स्मूथ हुआ है, तो कितना बेस्ट लग रहा है। तो गाइस आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम अपने फेस को स्मूथ कर चुके हैं। तो आप अपने फेस को स्मूथ करने के बाद गाइस क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपने कपड़े पे कलर्स को अप्लाई कर लीजिएगा। तो इसके लिए गाइस आप लोग क्या कीजिएगा गाइस, आप लोग यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। तो जस्ट मैं लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ प्लस का ऑप्शन आपको एक मिलेगा, इस पर आपको टैप करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा, इस लेयर पे आपको टैप करना होगा और यहाँ आपको एक नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे टैप करके और यहाँ पे आपको एक कलर डोज का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप सेलेक्ट कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से कट और यहाँ से ड्रॉ कर देना होगा। अब गाइस आपको यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा, तो जस्ट यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे टैप करके और यहाँ लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से नीचे आ जाइएगा। तो अब गाइस आप क्या कीजिएगा, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला ब्रश आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा और ये वाला ब्रश आपको यहीं मिल जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ब्रश का सेटिंग देख लीजिए। अब सिटी का रेट और साइज को तो गाइस आप अपने हिसाब से रख, तो मैं साइज को भी 10 रख लेता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। तो अब गाइस आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, तो डन गाइस आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डन गाइस ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये वाला कलर आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके सॉरी गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से अपने कपड़े पे कलर्स को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे कपड़े पे बहुत बेस्ट कलर्स अप्लाई हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम मिला देर की वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। डन गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे शॉर्ट का भी कलर कुछ स्टेप से चेंज हो चुका है। तो गाइस आप अपने शॉर्ट का कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से क्या कीजिएगा, अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लिप्स फीका लग रहा है, तो इसको रेड कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, तो जस्ट आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको टैप कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पे टैप कीजिएगा तो यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा, इस लेयर पे टैप करके और यहाँ एक नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना होगा और यहाँ पे आपको एक डार्किन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करने और यहाँ से कट और यहाँ से ड्रॉ कर लेना होगा। तो अब गाइस सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। तो आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा और आप लोग क्या कीजिएगा, ये वाला ब्रश जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसी के बगल में आपको ये वाला ब्रश मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखे हुआ। तो आप ये वाला ब्रश लिख दीजिएगा और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके इस ब्रश का सेटिंग देख लीजिए। तो आप सिटी कैंडेट और साइज को तो गाइस आप अपने हिसाब से रख, तो मैं साइज को भी 9.8 रख लेता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे आप कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप कर देंगे। तो जस्ट कलर्स पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करें और यहाँ से कट कर देना होगा। तो अब गाइस मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, अपने लिप्स को कुछ ही टाइप से रेड कर लेता हूँ, तो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा कर लेना है, यहाँ पे दिखने में अच्छा लगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लिप्स भी रेड हो चुका है। तो इतना काम इस एप्लीकेशन में आपको करके और यहाँ आपको एक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान
से देखिए, इस पर आपको टैप कर देना, तो जस्ट यहाँ पर टैप करके और यहाँ आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना और यहाँ पर आपको एक सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना। तो जस्ट यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फोटो फोन के गैलरी में चला जाएगा। तो अब हम इस फोटो को सीधा ओपन कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, तो आप लाइटरूम एप्लीकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा गाइस तो आपको यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे आपको कुछ ही टच इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको टाइप कर देना। तो जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो आप जिस फोटो को इस एप्लीकेशन में शेयर किएंगे वो आपका फोटो यहाँ पे शो करा होगा। तो आप अपने फोटो पे बस एक बार टच कर दीजिएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार टच कर देना होगा। यहाँ पे आपका फोटो सर्चिंग लग जाएगा। अब गाइस यहाँ नीचे आइए और यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे, इस पर आपको टैप करना होगा और यहाँ पे आपको एक मिक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिक्स वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना होगा और यहाँ से टू नंबर वाले टून पे आना है। आप लोग ध्यान से देखिए, इस वाले टून पे आना है और आप लोग क्या कीजिएगा, सेचुरेशन को 35 माइनस कीजिएगा और यहाँ से लुमिनस को आप कुछ ही टाइप से क्या कीजिएगा 100 प्लस रख लीजिएगा। तो इतना काम करके और आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, इस वाले टून पे, और इसका सेचुरेशन आप लोग 100 प्लस रख लीजिएगा। ब्लू वाले टून पे आना है और इसका भी सेचुरेशन आप लोग यहाँ से प्लस रख लीजिएगा। तो इतना काम करके और आप लोगों को यहाँ पे एक रेड टून मिल जाएगा यहाँ पे 1 नंबर पे, इस पे आपको टैप करके और थोड़ा सा सेचुरेशन को 15 प्लस रख लीजिएगा और यहाँ पे डन कर दीजिएगा, डन कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसी के बगल में आपको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करके और नीचे आना है और बिगिन वाले ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस कर 20 माइनस कर देना होगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोटो कितना बेस्ट एडिट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।